तुलना किसी की किसी के साथ नहीं है, परंतु मौसम अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, बढ़िया एकदम। ऑफिशियली हमने एंट्री कर ली है, अब 3 किलोमीटर नवी है यहाँ से, काफी रश है वहाँ पे। स्टार्टिंग में लोग रुक जाते हैं ना, एक्चुअली आते हैं तो स्टार्टिंग में रुक जाते हैं, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता। अभी तो बहुत लंबा है, वहाँ तक जा सकते हो आप आराम से। नाम इनका क्या लिखा भैया, गुजराती में लिखा है, लेकिन पहुंचने तक इस वीडियो को समाप्त करना है। तो जी ये होने वाला अपना ब्रेकफास्ट, पराठे मंगा लिए, कुछ अचार है, चाय हो गई और पोहा है। ये चाय जो है हमने खुद बनाई है, खुद लाया था मैं, ये वाला अमूल का, ये इससे पूरा तैयार कर लिया, सामान था अपने पास सारा। तो इस बार सब कुछ जो हो सका है वो घर का ही सारा सामान हमने इस्तेमाल किया, बाकी पराठे और पोहा वो संभव नहीं था तो इनसे मंगा लिया हमने। और थोड़ा लेट हो गया आज मामला, अभी मिलता हूँ आपसे ब्रेकफास्ट करके। ओके जी, एक बार वीडियो की शुरुआत हो गई है और समय हो गया बहुत ज़्यादा, कल आई थी नींद तगड़ी क्योंकि थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो इसमें यार सो गया था बढ़िया से। और अब यहाँ से नीचे जाने के लिए तो थर्ड फ्लोर पे एक्चुअली लिफ्ट का यूज़ करके इससे जाएंगे, कुछ काम चल रहा है एक्चुअली, नया नया होटल है कुछ काम चल ही रहा है। तो अभी निकल रहे हैं, एक्चुअली मैंने कैब बुक करी है ओला, उससे निकलेंगे, गाड़ी मैंने ये पार्क कर दी क्योंकि लेक पे चोला जाना है, थोड़ा कंजेस्टेड है, पार्किंग तो है पर तो काफी चलना पड़ता, तो कैब वगैरह जो है एकदम थोड़ा पास में उतारी है, बाकी देखते कितना पास उतारे, थोड़ा बहुत तो फिर भी चलना ही पड़ेगा। तो बाकी अगले दिन की शुरुआत होगी, मिलते हैं आपसे भी लेक पे चोला से। अभी कैब में सवार हो गया, थोड़ी बारिश वारिश एक्चुअली हो गई, थोड़ी सी बादल वादल आए होंगे, तो नहीं 2 मिनट पहले हुई है, नेल आया होगा हल्का सा, ठीक है। बाकी मौसम अच्छा हो गया, घूमने लायक हो गया, बढ़िया एकदम मौसम हो गया घूमने लायक। और अभी जा रहे हैं पहले लेक पे चोला, मैंने कहा थोड़ा कैब वगैरह से चले सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आगे का प्लान ये है कि पिछोला के आसपास जितने एरिया है वो सारे कवर होंगे, और सज्जनगढ़ फोर्ट जाने का प्लान है जो लास्ट टाइम मेरा रह गया था 2018 में। ये सामने आपको रास्ता दिख रहा है सिटी पैलेस का, उतर चुके हैं हम फिलहाल, सिटी पैलेस ये जाएगा, लेक पिछोला पूरा व्यू अमेजिंग। अभी सब देखेंगे, थोड़ी सी बारिश हो रही है, रुक के चलेंगे, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, व्यू आप देख ही रहे हो यार, मतलब क्या ही बोलूँगा। 2018 वाली यादें ताज़ा हो गई सारी, और वो सामने जग मंदिर वहीं है, और ये इधर है ताज या फिर उदय विलास का कुछ है यहाँ पे, बाकी वहाँ से भी कटवाएंगे टिकट और पढ़ते फिर आगे टिकट लेंगे पहले, उसके बाद एंजॉय करते हैं बोटिंग फिर। ओके जी, तो थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है, लेक पिछोला गए, बारिश हुई बहुत, मतलब रज के बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो थोड़ा प्लान में चेंज कर लिया। अब फिर हमने एक कैब बुक करी, फिर उनसे डायरेक्ट हमने बात करी थी कि यार सज्जनगढ़ फोर्ट मेरा हो नहीं पाया लास्ट टाइम, तो सोचा कि यार सज्जनगढ़ फोर्ट ही चलते हैं, मानसून पहले से तो बारिश हो रही है तो उस जगह जाना तो बनता ही है। तो फिर तो आप सवार हो गए कैब में, एक्चुअली प्राइवेट हो गई है बुक, जो भी इसका चार्जेस वगैरह सब मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, और चल रहे हैं फिर हम आके नज़ारे देखेंगे वहाँ से, पूरा व्यू दिखता है ना भैया। हाँ। वीरेंद्र भैया हाय कर दो भाई, हाय वीरेंद्र भैया के साथ हम जा रहे हैं, तो दिखाते हैं नज़ारे वहाँ पहुँच के, जो भी होता है आपको बाकी अल्टीमेट ही रहेगा एक्सपीरियंस। उदयपुर तो मैं यार जितनी बार आऊँ उतनी बार ही कम है। टिकट के लिए भाई साहब लाइन लगी हुई है, सज्जनगढ़ फोर्ट पहुंच गया है, और इधर है गाड़ी अपनी धीरे धीरे आ रही है, और यहाँ पे आ जाएगी पहले एंट्री, यहाँ से होगी 3 किलोमीटर पूरा जाना है, लग जाओ पहले लाइन में लगेंगे। ये है चार्जेस देख लो, इंडियन सिटीजन का 90 हो गया, और गाड़ी का अलग से है 275 रुपये, गाड़ी का 200 नहीं भैया, ये 500 है और दूसरा आज आपको देने पड़ेंगे। अभी नहीं गाड़ी थी, तो जी टिकट और ये हो गया है 90 रुपीज की है पर हेड, और ये 275 गाड़ी का, और ऑफिशियली हमने एंट्री कर ली है। अब 3 किलोमीटर नवी है यहाँ से, कितना है, 3-4 होगा, 3 से 4 किलोमीटर है,
मानसून पहले से ऊपर व्यू आएगा बहुत ही बढ़िया, बाकी देखेंगे। हम भी पहली बार आ रहे हैं भाई, तो भीड़ है इस बार क्योंकि सीज़न यही होता है मानसून जब होता है ना, वो लोग बहुत लोग यहाँ पहुँचते हैं और बढ़िया नज़ारा होता है, तो इसलिए अब है। और बाकी टिकट आपको बता ही थी मैंने कि चार्जेस लगेंगे। इस तरह के व्यू मिलने वाले, इस तरह की रोड है। एसी बंद ही कर दो, बंदर उंदर तो नहीं आना अचानक। अच्छा गुजरात वाली गाड़ी है, मेरे को दिख रही है यहाँ पे गुजराती लोग ज्यादा आए हैं, हमारे जैसे दिल्ली और हरियाणा वाले कम आए हैं अभी। तो भी हरियाणा वाले हैं, लेकिन ये गुजरात वाले ज्यादा हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ स्कूटियों से भी लोग आए हैं, स्कूटी लेके भी पहुँच जाते हैं। ठीक है, हमने भाई वीरेंद्र भैया को बोल दिया कि आप भाई आते रहते हो, आप ही चलो लेके, हम तो थक गए थे भाई, कुछ ज्यादा गाड़ी चला ली, तो जैसे भी घूमना चाहिए इस तरह से भी एक्सप्लोर करना चाहिए। ये पार्किंग का स्पेस है सारा यहाँ पे, भैया यहाँ पे लगाएंगे अभी, और ये सारा पार्किंग का स्पेस है। और अभी नज़ारे आपको दिखा रहा हूँ, पीछे है पूरा बढ़िया था, एक्सट्रीम था थोड़ा सा, मज़ा आया। और अभी दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ बस। ये देखो भाई नज़ारा पूरा, ये तो फिर सिर्फ नाम मात्र है। अभी मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा, देखो वो रहा देखो फोर्ट के पास, वहाँ पर और खूबसूरती है, व्यू बहुत अच्छा है। थोड़ा थोड़ा धूप भी दिखनी चालू हो गई है। ये देखो सुकून भाई, लोग जा रहे हैं उत्तराखंड और हिमाचल, हमने चुना उदयपुर। ये नज़ारा है आपके सामने, तुलना किसी की किसी के साथ नहीं है, परंतु ये जो जगह है ना, ये अपने आप में ही बहुत कुछ बयां कर रही है। और ये रहा गेट, यहाँ से हम एंट्री करेंगे अभी। तो ये पूरा अद्भुत नज़ारा आपके सामने, फाइनली ये व्यू पॉइंट है, सुंदर सी वादियाँ, खूबसूरत से बादल, कितना दिख रहा है आपको, कितना जस्टिस हो रहा है ये नहीं पता, बट मज़ा आ रहा है। अब यहाँ बैठेंगे 10 मिनट और आनंद लेंगे। एक्सक्यूज़ मी भैया, एक वीडियो बना दीजिए मेरे प्लीज़। उनके कुछ पल बिता रहे हैं यहाँ पे, पीछे नज़ारा है। मुझे 10 से 15 मिनट हो गया बैठे हुए यहाँ पे, और सही टाइम पे एक्चुअली 5 बजे यहाँ पे एंट्री बंद हो जाती है, और उसके बाद किसी को एंट्री नहीं मिलती, जो ऊपर है फिर वो धीरे धीरे नीचे 7 बजे तक आने लगता है, और सनसेट पॉइंट आ जाता है या फिर सनराइज पॉइंट आ जाता है। बाकी व्यू पॉइंट तो है, मानसून के हिसाब से तो सब बढ़िया ही है। भीड़ मैक्सिमम लोग गुजराती लोगों की भीड़ है, अभी दिल्ली हरियाणा का क्राउड नहीं है भाई, क्योंकि गुजरात के पास पड़ता है। जैसे अपन लोगों को उधर पता है ना कि भाई देहरादून चले गए, नैनीताल चले गए,
रखने के लिए, फिर ये कि यार गुजरात वाले मैक्सिमम और अहमदाबाद वाले ज़्यादा दिख रहे हैं। सोलो का भी अपना ही मज़ा है, आवाज़ आई भी होगी मेरे ख्याल से क्योंकि थोड़ी सी नॉइज़ वगैरह, बाकी शांति है, आवाज़ पकड़ रहा होगा पूरी, हवा तेज़ है, फोटोज भी तीन चार बार में एक फ़ोटो तो आ ही रही है। मज़ा आ रहा है। ये कुछ इतिहास है, आप पॉज करके पढ़ लेना। यहाँ से हम वापस आ गए, देखो जी ये नज़ारा, गाड़ी यहाँ पार्क नहीं कर सकते, एक्चुअली आगे ही करनी है, ये पूरा पार्किंग के लिए आप साइड बना रखी है, आगे लग सकते हैं, और अगर आप इस तरह रोड पर खड़े हो ना, देखो लॉक लगा देंगे, और खड़े हैं ऑफिसर्स, मतलब ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल खड़े, और वो सामने दिख रही चौपाटी, देखो वहाँ से लेके वहाँ तक सारी वहाँ शॉप्स बनी हुई, आप खा पी सकते हो मस्त, और ये आपका नज़ारा सामने फतेहपुर, फतेह सागर कह रहा हूँ, फतेह सागर लेक सामने, ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ पूरा आपको सुपर व्यू में दिखा रहे हैं, बढ़िया एकदम। और ये लेक पिछोला से ज़्यादा बढ़िया, ये देखो एक बार में तो कवर भी नहीं हो रही है, स्टीमर भी चल रहे हैं यहाँ पे, स्टीमर का आनंद लो, जो चार्जेस वगैरह वहीं पहुँच के बताएंगे, जो भी होंगे पता कर लेंगे। एक्चुअली फतेह सागर लेक लास्ट टाइम नहीं हो पाया था, और लास्ट टाइम आपका सहेलियों की बाड़ी नहीं हो पाया था, सज्जनगढ़ फोर्ट नहीं हो पाया था, सज्जनगढ़ मानसून पैलेस तो हमने कर लिया है, और अब नेक्स्ट फतेह सागर लेक, ये तो हम नहीं करने वाले हैं, ये जो क्या कहते हैं स्टीमर वगैरह पे या कुछ, हम जाएंगे लेक पिछोला वाले में, और बाकी देखते क्योंकि वो तो लास्ट टाइम भी कर ही लिया था, और अब सहेलियों की बाड़ी जाएंगे, और उसके बाद फिर लेक पिछोला जाएंगे, थोड़ा सा नाइट व्यू वहाँ का कैप्चर करना है, बाकी ऐसा सच कोई प्लान नहीं है, और गाड़ी करने की वजह मेरी यही थी कि खुद नहीं चलाना पड़े, बाकी वीरेंद्र भैया है बहुत बढ़िया, जो भी रेट है लास्ट में बताऊंगा कितना लिया क्या लिया, जो भी है बाकी नज़ारा आपके सामने ही है, मज़ा आ रहा है। हम रुकने वाले एक्चुअली वहीं पर थे वहाँ पर, बट मैंने कहा यार नहीं, थोड़ा सा आप सेपरेट होकर रुको, थोड़ा शांति मिले, और इसलिए वो देखो काफ़ी रश है वहाँ पे, स्टार्टिंग में लोग रुक जाते हैं ना, एक्चुअली आते हैं तो स्टार्टिंग में रुक जाते हैं, अब मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता, अभी तो बहुत लंबा है, वहाँ तक जा सकते हो आप आराम से रुकने के लिए, तो मैं इधर रुका हुआ हूँ। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नज़ारे तो मेरे लिए, मिलते किसी और अगले किसी गंतव्य पे। देखो जी भीड़ देख रहे हो एकदम, लेक के किनारे सारे लोग बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं, सबका ऐसे इस तरह के कैफे छोटे शॉप्स वगैरह सब मिल जाएंगे आपको, और आनंद ही आनंद है वहाँ, देखो ज़्यादा भीड़ है क्योंकि वो स्टार्टिंग का पॉइंट है, हम थे उधर और आगे की तरफ से ऐसे आए, और अभी मैंने वहाँ पे ऑर्डर दिया है वो लिखवा रहे हैं, और यहाँ पे वॉशरूम की तरफ आ गए, देखो सुल्फ की सुविधा है यहाँ पे, ये भी अब आ गए इनके पास गोलगप्पे खाने के लिए, और हमने पीछे अभी खाया, हमने अभी मैगी ली थी, पाव भाजी ली थी, और एक चीज़ और ली थी, हाँ वो पिज़्ज़ा टाइप है, वो एक्चुअली भैया के लिए, उनको मन था खाने का, टेस्ट करने के लिए लिया एक्चुअली, और टेस्ट करने के बाद हमने खा लिया, तो बढ़िया था टेस्ट, था ओके ओके था काइंड ऑफ, यहाँ पे जो जगह बनी हुई थी ना वो पूरी करने के लिए था, बाकी अभी ट्राई करते हैं ये वाले गोलगप्पे हैं इनके पास, क्या नाम है इनका, क्या लिखा भैया, गुजराती में लिखा है, पानी पूरी लिखा है ना, समझ आ रहा है, और आगे क्या चाट, वाह अब लेते हैं भैया शिकंजी, एकदम बढ़िया व्यू के साथ, पेट को थोड़ा आराम भी चाहिए ना, और इस तरह से इन्होंने देखो बैठने का भी बनाया हुआ है, तो सब बढ़िया एकदम चौपाटी काइंड ऑफ। यहाँ पे बोटिंग के लिए जाते हैं, बोटिंग के लिए यहाँ से जाना है, आपको 20 बता रहा है स्टीमर का भी, और नॉर्मल जाओगे तो भी, स्टीमर के लिए आपको 3 से 4 मिनट में वापस ले आएगा, और जो नॉर्मल है वो आपका आधे घंटे तक के लिए जाएगी, पर चार्जेस दोनों का सेम है, 220 ही है, और 7 बजे बंद कर देते हैं, 6:30 हो रहे, बाकी मौज है, ये यहाँ जाएंगे सामने लेकर, साइकिलें भी आपको मिल जाएंगी, 50 रुपये के आसपास रेंट है, और यहाँ पे आप चला सकते हो मस्त, सिंगल और डबल वाली मिल जाएंगी,
बढ़िया है, लोगों ने यहाँ पे ले रखी है साइकिलें अपनी और बढ़िया इंजॉय कर रहे हैं। 50 रुपये के आसपास का है इसका खर्चा, 50 रुपये में आधा या घंटा या एक घंटे का होगा या पता नहीं वन टाइम होगा, पता नहीं क्या एक्चुअली, बस है 50 के आसपास ही। ये देखो जी पानी का यहाँ तक आ रहा है, बस सिंगल लेन किया हुआ है पूरा, यहाँ पे इधर से आना है और ऐसी एग्जिट है। अब यहाँ से ले रहे हैं भुट्टा, 20 रुपये का है भाई और 30 रुपये का अमेरिकन वाला, वो मीठा मीठा जो है ना और वो देसी है। चलो जी इन्जॉय, बढ़िया लग रहा है ये तो। चलो वैसे यहीं का ट्राई करना चाहिए, अमेरिकन तो वहाँ भी खाते हैं मीठा, हाँ। वो तो है ना, सीधा करने का समय आ गया। ओके भैया थैंक यू, और आपका नंबर डाल दूँ मैं, कोई आएगा तो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा, ठीक है। वीरेंद्र भैया, वीरेंद्र भैया, वीरेंद्र भैया का नंबर डाल देते हैं, मुलाकात करेंगे फिर, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, वेलकम। तो अब पहुंच गए हैं हम लेक पिचोला पे, जहाँ सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, वहाँ पे टिकट काउंटर है एक्चुअली। ये देखो यहाँ पे 150 रुपये की टिकट है और लास्ट बोट जो है जा चुकी है क्योंकि 7 बज चुके हैं। ये देखो तो यहाँ पे अब फ्रेंच फ्राइज पैक करवाए थे जो कि खाए नहीं गए थे, तो अब जगह है थोड़ी सी पेट में और इस नज़ारे के साथ बैठ के इंजॉय करने वाला है। अपना डिनर आज का बहुत ही सॉर्टेड है, और सॉर्टेड क्या है, थोड़ा सा हैवी है, मैंने दिखाया ना आपको वहाँ पे, मैंने पतले सागर लेके बस मतलब अटर पटर बहुत कुछ खा लिया था, तो ये सॉर्टेड है। चलो जी ये खड़े अपनी कैब और अम्ब्रेला से वापस जा रहे हैं होटल की तरफ, भैया को बताते हैं ओटीपी क्या हाल है शाहरुख भाई। चलो जी बढ़िया बना रखी है आपने गाड़ी वाड़ी, सुबह कैब अपनी छोड़ के जा रही है, और चलो जी गाड़ी तो वॉश हो गई अपनी, कल हमारा चेकआउट है, कल हम निकल जाएंगे यहाँ से। ओके जी फाइनली होटल पहुँच गए, सुबह का प्लान सुबह ही बात करेंगे, इस वाले वीडियो को यही समाप्त करते हैं, यही लिफ्ट में, लिफ्ट पहुँचने तक इस वीडियो को समाप्त करना है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपने थॉट्स बताइए, और ठीक है फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।